नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग देख चुके हैं अभी तक MPPSC 2017 तक के प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर, उन्हें सॉल्व कर चुके हैं। याद रखिए, पिछले लेक्चर तक हम लोग देख चुके हैं 2017 तक। अब इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग 2018 का। ये भी प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होता है, फर्स्ट पेपर। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर के रहते हैं सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना, जैन धर्म से। जैन धर्म में प्रमाण प्रमेय कालिका नामक एक धर्म ग्रंथ है। यद्यपि MPPSC 2018 की अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार उत्तर जैन धर्म है, लेकिन अधिकांश स्रोत कालिका पुराण को बंगाल और असम क्षेत्र के शक्ति संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो MPPSC ने जैन धर्म माना था, याद रखना, डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाह भी कहा जाता है? तो याद रखिए, वैश्य को, सी ऑप्शन है। वैदिक काल के बाद वैश्यों को व्यापार और वाणिज्य विनियमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संघ विकसित किए गए थे, जिन्हें सैनिक निगम, पुगा के नाम से जाना जाता था। यह अन्य वर्णों के अनाधिकार प्रवेश से बचने और एकाधिकार विकसित करने के लिए भी था। उचित आचरण नियमावली संघ के प्रमुख द्वारा तैयार की गई थी, जिसे सातवाह या सैनी प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, सुंगों के पूर्वज कहाँ से थे? तो आपको बताना है, उज्जैन से, सी ऑप्शन सही है इसमें, उज्जैन। विभिन्न पुरातात्विक खोजों और मुद्रा शास्त्र के साक्ष्य के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका आरंभ उज्जैन अर्थात अवंती से हुआ था। कर्ण और शुंग वंश के शासक, जो भगवान शिव के उपासक थे, ने 100 ईसा पूर्व के सिक्कों के माध्यम से शैव धर्म का प्रचार किया था। इस प्रकार उज्जैन में खुदाई से प्राप्त सिक्कों ने भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाया। इन्होंने गुप्त मौर्य, शुंग, सातवाहन वंश के शासन को प्रकाशमय किया है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तदनुसार हमें पुष्यमित्र शब्द और अश्व के चित्रण के साथ तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह, बी ऑप्शन सही है। जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो उसका सबसे बड़ा पुत्र आदिल खान रणथंभौर में और सबसे छोटा पुत्र जलाल खान रीवा में था। शेरशाह ने आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, लेकिन कुलीन व्यक्तियों ने जलाल खान को वरीयता दी। उनके द्वारा अधिक सक्षम और मेहनती माना जाता था। उन्होंने जलाल खान को कलिंजर बुलाया। उसके आगमन पर 27 मई 1545 को उसे सुल्तान घोषित किया और उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। पांचवा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? तो याद रखिए, सूरत में, ये ऑप्शन सही है, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में गुजरात के सूरत स्थित बंदरगाह पर अपना नींव स्थापित की, लेकिन इसके अभिकर्ताओं को शीघ्र ही पता चला कि कपड़े की बिक्री निराशजनक थी और उन्होंने फारस में अपनी बाजार की संभावना का विस्तार करने का संकल्प लिया, जहां अलेप्पो के माध्यम से एजेंटों द्वारा 11 सितंबर 1581 को स्थापित लेवांत कंपनी द्वारा अप्रत्यक्ष व्यापार पहले से ही चल रहा था। छठवां क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सड़ी हुई हैं,
हर दिशा में भ्रष्टाचार तथा अत्याचारियों और मतलबियों का बोलबाला है। यह कथन किसका था? याद रखना भागिनी निवेदिता। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में जन्मी, भागिनी निवेदिता बाद में निवेदिता के रूप में प्रसिद्ध हुई। वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्हें विवेकानंद द्वारा सेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लोकमाता और अरविंद घोष द्वारा अग्नि शिखा, अग्नि की ज्योति के रूप में वर्णित किया गया था। इंग्लैंड में उन्हें द चैम्पियन फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था। अपनी मित्र मिस मैकलुएड को 1900 से 1905 के बीच लिखे उनके कई पत्र ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी घृणा को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सड़ी हुई हैं, हर दिशा में भ्रष्टाचार तथा अत्याचारियों और मतलबियों का बोलबाला है। सातवां क्वेश्चन, भारत छोड़ो नारे की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है यूसुफ मेहर अली। प्रतिष्ठित भारत छोड़ो नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और बॉम्बे के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेयर अली द्वारा लिखा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1942 में एक बैठक के दौरान महात्मा गांधी को यह नारा प्रस्तावित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश के शासन के अंत की मांग करते हुए 75 वर्ष पहले 8 अगस्त 1942 को की थी। आठवां क्वेश्चन, फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, कौन है? तो याद रखिए एम विश्वेश्वरैया। फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। वह ब्रिटिश सरकार के आर्थिक आलोचकों में से एक थे। उन्होंने लगभग 8 दशक पूर्व भारत की आर्थिक योजना मॉडल का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत की कुछ पारंपरिक और सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल थे। नौवां क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है, ए ऑप्शन सही है, चरण पादुका नरसंहार। ए ऑप्शन सही है। 20वीं सदी की पहली तिमाही तक बुंदेलखंड में कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि नहीं हुई थी। छतरपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर चरण पादुका नामक स्थान पर 14 जनवरी 1930 को सियासती शासन के विरुद्ध एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। ब्रिटिश सेना ने गोलियों से सभा को तितर बितर कर दिया और कई लोग मारे गए इसमें। 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो याद रखिए गंगा। गंगा जो विशाल हिमालय से निकलती है, भारतीय उपमहाद्वीप की एक पार सीमा नदी है जो भारत और बांग्लादेश देशों से बहकर जाती। 2525 किलोमीटर लंबी नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तर भारत के गंगा मैदान से होकर दक्षिण और पूर्व में बहती है। यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र प्रदान करती है, जो इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र बनाता है। भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है इलायची। इलायची की पहाड़ियां पश्चिमी घाट भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में
सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे और अधिक सतत है। 12वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूता है और 9 राज्यों से 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। मैप में देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये नेपाल हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक, 13वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन है? तो आपको याद रखना है गोदावरी बेसिन। गोदावरी नदी भारत की एक मुख्य नदी है और यह पश्चिम से दक्षिण भारत की ओर बहती है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को देश का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है और यह दो देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी के बाद। नदी का अपवाह तंत्र बेसिन भारत के 6 राज्यों में मौजूद है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 14वां, पाल्क जल डमरू किसके बीच है? तो आपको याद रखना है भारत श्रीलंका। फाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह केवल 2 देशों उत्तर पश्चिम में भारत और दक्षिण पश्चिम में मालदीव के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। मैप में देख लो, ये है श्रीलंका, ठीक है, ये पाक स्टेट है। ठीक, अगला 15वां क्वेश्चन है, एक निम्न दाब वाला क्षेत्र अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे भूमध्य रेखीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है, अभिसारिक व्यापारिक पवनों और भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र बनाने वाली बढ़ती हवाओं की पेटी है। बढ़ती हवाएं उच्च मेघा छन्नता, बारंबार मेघ गर्जन, भारी वर्षा उत्पन्न करती है। डोल्ड्रम, सांस, सतही पवनों के महासागरीय क्षेत्र इसी क्षेत्र में होते हैं। ITCZ उत्तर और दक्षिण में सूर्य के साथ मौसमी रूप से बदलता है। 16वां क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख जानवरों का उद्यान है जिसमें बारहसिंगा, दलदली मेघ, भारतीय जंगली कुत्ता, सर्वाधिक प्रसिद्ध भारत बाघ है इसमें शामिल। कान्हा भूमि बाघों की अधिक संख्या के कारण इस उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रसिद्ध बारहसिंगा इस अभयारण्य में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रजाति को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का रतन कहा जा सकता है। 9वां, अगला है 17वां, नेपाल निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? याद रखना है अखबार, कागज, बी ऑप्शन सही है। नेपाल नगर को देश में अखबारी कागज के विनिर्माण का आरंभिक शहर माना जाता है। इस शहर में अप्रैल 1956 से 30,000 TPA की स्थापित क्षमता के साथ उत्पादन शुरू हुआ। प्रमुख कच्चे माल में सलाई की लकड़ी, बांस थे जो नेपा नगर के आसपास के जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मिल ने 1967 में प्रमुख विस्तार
कार्यक्रमों की शुरुआत की और 1978 और वर्ष 1989 में अपनी स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 88,000 TPA कर दी लिया। वर्तमान में कंपनी ने कच्चे माल के रूप में मूल वन से अवशिष्ट कागज पर अपना ध्यान दित किया है। इस प्रकार कंपनी उत्पादन लागत को कम करने में सक्षम है। 18वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट है? तो आपको याद रखना है जबलपुर, ठीक है। किस स्थान का देशांतर, किसी स्थान का देशांतर मुख्य भूमध्य रेखा के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है या स्थान से गुजरने वाला अक्षांश रेखा के समांतर मापी जाती है। अक्षांश की तरह इसे भी डिग्री या मिनट और सेकंड में मापा जाता है। मुख्य भूमध्य रेखा के पूर्वी सभी देशांतर को ई अक्षर से दर्शाया जाता है, जबकि मुख्य भूमध्य रेखा के पश्चिम में सभी देशांतरों को डब्लू अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। भारत में जबलपुर और अमेरिका में पीटर्सबर्ग का पता लगाए आप देखेंगे कि दोनों ही 80 देशांतर पर स्थित हैं। हालांकि जबलपुर मुख्य भूमध्य रेखा से पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका देशांतर 80 ही है। दूसरी ओर पीटर्सबर्ग मुख्य भूमध्य रेखा के पश्चिम में है, इसलिए इसका देशांतर 80W है। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से। इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में जारी रखती है, लेकिन यह किसान से उपज नहीं खरीदती। इसके बजाय यह किसान को मौजूदा बाजार मूल्यों और घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बीच अंतर की आंशिक क्षतिपूर्ति करती है। मुआवजा मध्य प्रदेश और दो अन्य पड़ोसी राज्यों में विशिष्ट फसल के औसत बिक्री मूल्य पर आधारित है। इसकी गणना फसल के अंत में की जाती है। 20वां क्वेश्चन नंबर, सीमा सुरक्षा बल BSF किन दो देशों की सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिए पाकिस्तान बांग्लादेश। यह वर्ष 2011 से केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन अधिकार के तहत भारत में 5 सुरक्षा बलों एकल परिभाषित शब्द को दर्शाते हैं। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा करती है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रतिष्ठानों देश के प्रमुख हवाई अड्डों चुनाव के दौरान सुरक्षा तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा कार्यों BBIP की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश दीपुला तक चीन की सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनाती है। इसकी SSB सशक्त सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रक्षा करती है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा? न्यायपुत्री न्यायमूर्ति GD दीक्षित ओझा रहे हैं, PB दीक्षित रहे हैं, JP सिंह रहे हैं। न्यायमूर्ति ND ओझा का कार्यकाल रहा है 87 से 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987। न्यायमूर्ति PV दीक्षित इनका 3 फरवरी से 9 फरवरी 1966 तक, और न्यायमूर्ति JP सिंह ये 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक रहे, ठीक। न्यायमूर्ति JP सिंह AB 21 सितंबर से अक्टूबर तक रहे, 7 अक्टूबर 1983, ठीक है। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधान मंडल के अवकाश के दो
दौरान अध्यादेश लागू करने की शक्ति है। तो याद रखिए 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश लागू करने की राज्यपाल की शक्ति है। किसी ऐसे समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में हो या किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हो, तब यदि किसी समय राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो जा गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उस उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। 23वां क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर क्या थी? तो याद रखिए 14.39% वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14.39 रुपये 39% रही, ठीक है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 109.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि नेवल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद 14.57 के सी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 99.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो आपको याद रखना है 1951 में, ठीक। संसदीय सचिव का इतिहास, यह पद वर्ष 1991 बनाया गया श्री राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में वर्ष 1952 और वर्ष 1953 के बीच संसदीय सचिव का एक पद था। 25 वर्ष बाद एमजी रामचंद्रन की पहली सरकार के दौरान वर्ष 1978 में कुछ असंतुष्ट विधायकों की खुशी के लिए पद को पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधानसभा के एक दस्तावेज में कहा गया है कि सवालों के जवाब आरंभिक विधेयकों मंत्री की ओर से उस सदन में जिसमें वे सदस्य हैं चर्चा के जवाब दें। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित राज्य? तो ए सही है नागालैंड, बी असम से, सी गलत है, डी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये देख लेते हैं, ठीक, यह सभी अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है, 371B असम राज्य से संबंधित, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश, 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से, 371F सिक्किम राज्य से, 371G मिजोरम से, 371H अरुणाचल प्रदेश और 371I गोवा से संबंधित, 371J कर्नाटक राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? याद रखना है 84। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और आरक्षित सीटें होंगी, जबकि कुल सीटों की संख्या 543 रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की 79 से बढ़कर 84 हो गई, ठीक है, 84 थी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये राज्यों की सीटों की बात चल रही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में 11 हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, याद रखना। ठीक, 28वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो याद रखना 1957 में। भारत सरकार ने 1957 में खेल के क्षेत्र में इच्छुक छात्राओं को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की। शैक्षणिक संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का नाम झांसी की निडर स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। 29वां क्वेश्चन, इन पेशेंट किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है शतरंज। इन पेशेंट शतरंज में एक चाल होती है, यह विशेष पॉन कैप्चर है जो केवल तभी हो सकता है जब वह एक मोहरा अपनी शुरुआती खाने से एक डबल स्टेप चाल चलता है और उसे एक दुश्मन मोहरे द्वारा पकड़ा जा सकता है जो केवल एक खाने चल सकता है। 30वां क्वेश्चन है, पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखिए विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1952 में पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, 31वां, लेब्रो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए बॉलीवुड से। एक लेब्रो इंडोर बॉलीवुड में एक रक्षात्मक विशेष स्थिति है। ठीक है, इस पोजीशन को 1999 में खेल के लिए विशेष नियमों के साथ इंडोर बॉल वॉलीबॉल खेल में जोड़ा गया ताकि अधिक डेक्स एंड रिलीज को बढ़ावा दिया जा सके, खेल को अधिक रोमांचक बनाया जा सके। लेब्रो खेल में हर समय बनी रहती है और इस पोजीशन का एकमात्र खिलाड़ी परिक्रमण के नियमित नियम तक सीमित नहीं होता है। लेब्रो आमतौर पर मिडिल ब्लॉकर पोजीशन वाले खिलाड़ियों के पीछे पंक्ति में घूमने पर उसकी जगह लेता है, लेकिन लेब्रो कभी भी सामने की पंक्ति में नहीं आ जाता। 32 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1985 में दौड़ाचार पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? उपयुक्त सभी, ओ एम नाम्बियर, ओम प्रकाश भारद्वाज, वी वी भगत, डी ऑप्शन है इसमें। इन सभी को 1985 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओ एम नाम्बियर एथलेटिक्स 1985 में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज, बी वी भगत कुश्ती से संबंधित थे। तैंतीस क्वेश्चन नंबर, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो याद रखना है 26 मील 385 गज। ठीक है, मैराथन लंबी दूरी की दौड़ होती है जो दौड़ का चलकर या रन वॉक रणनीति द्वारा पूरी की जाती है। व्हील चेयर वर्ग भी है इसमें। मैराथन की आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है, यानी कि 26.219 मील, 26 मील 385 गज, जो आमतौर पर सड़क दौड़ के रूप में होती है। इस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत यूनानिक सैनिक थेडेफिड्स वेटल ऑफ मैराथन से एथेंस के लिए दूध की प्रसिद्ध दौड़ के उपलक्ष्य में की गई थी। 34वां क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। फिनलैंड के हेनरी हैकिनन और चीन के झू किनान ने फाइनल में शुरुआती चरणों में अच्छी निशानेबाजी की, लेकिन बिंद्रा ने धैर्य कायम रखते हुए अपनी अंतिम शॉट में लगभग 10.8 अंक प्राप्त किए, पहला स्थान हासिल किया। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अगला 35वां क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष
वर्ष 29 अगस्त को हॉकी मेजर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनके समय के दौरान हॉकी का खेल अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। बात करते हैं अगला, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म श्री से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? पुलेला गोपीचंद। ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है? तो याद रखिए, चंबल घाटी, सोन घाटी है, नर्मदा घाटी है, ताप्ती घाटी है, चंबल घाटी नहीं है। सोन नदी, ताप्ती नदी घाटियों को भ्रंश घाटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चंबल नदी यमुना नदी तंत्र का भाग है और अत्यधिक अवनालिका अपरदन के कारण अपनी खराब भू स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। 38 है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में। कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। धूपगढ़ पर्वत या धूपगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है और महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का भाग है, इसलिए सबसे सही उत्तर बी होना चाहिए। यह पचमढ़ी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1350 या 1352 मीटर है। 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती? तो याद रखिए, बेतवा, बेतवा नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, यह यमुना नदी की प्रमुख दक्षिण तटीय सहायक नदी है। चंबल यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है और पश्चिम मध्य प्रदेश राज्य के महू कस्बे दक्षिण में विंध्याचल की पर्वतमाला से निकलती है। बनास, काली, सिंध, छिप्रा, पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चंबल का निचला भाग खराब भूमि वाली गलियों में गलियों के 10 मील के क्षेत्र में है, जिसमें परिणाम स्वरूप मिट्टी का त्वरित क्षरण हो जा होता है। यह मृदा सड़क क्षरण में प्रमुख परियोजना का स्थान है। 40 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात राजस्थान की राज्य सीमाओं से लगा है? यह हुआ दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित झाबुआ जिला दोनों राज्यों की सीमाओं से लगा है, राजस्थान गुजरात। 41 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसून, डी ऑप्शन है। ठीक है, 42 क्वेश्चन नंबर, मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा, कॉपर से। ठीक है, तैंतालीस है, मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? अलीराजपुर। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर में। ठीक है, चवालीस है, गुजरी महल किसने बनवाया? तो याद रखना, मानसिंह ने, ग्वालियर में राजकीय संग्रहालय। ठीक है, 45 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर NH3 पर स्थित नहीं है? सुजालपुर, सेंधवा है, महू है, सारंगपुर है। ठीक, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग, आगरा से मुंबई सड़क सेंधवा महू सारंगपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। 46वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2017-18 में अमृत योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ? 700 करोड़, सी ऑप्शन है। 47 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लेंगन पार्क 1000 से अधिक है? तो याद रखने, डिंडोरी।
निम्नलिखित जिलों में लिंग अनुपात 1000 से प्लस है? डिंडोरी, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट। ठीक, निम्नलिखित में से किस ने मध्य प्रदेश मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? डी के नरोन ने, हाँ ठीक, आर पी नाइक ने किया है, बी के दुबे ने, आर एस खन्ना ने किया है, पी एस की पी के नरोन ने नहीं किया। ठीक है, श्री पी आर आर पी नरोन ने 63 से 68 तक है, श्री आर पी नाइक 69 से 72, आर पी नरोन ने 72 से 74, बी के दुबे 80 में रहे, आर एस खन्ना 89 से 90 में रहे। ठीक, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखना है 1995 में। ठीक है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में कौन सा संगठन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? IFAD। ठीक है, IFAD द्वारा सहायता प्राप्त तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 6 जिलों में चलाया जा रहा था, बालाघाट, डिडोरी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में। एफएड की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम द्वारा लागू किया गया था। 51 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष से लागू की गई? याद रखिए 2010-11 से। 500 से कम जनसंख्या वाले सामान्य क्षेत्र के गांव और 250 से कम जनसंख्या वाले जनजातीय प्रभुत्व वाले राजस्व गांव में सड़क बनाने हेतु मुख्यमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ 2010-11 में किया गया था। ऐसे सभी गांवों को वर्ष 2013 तक सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत किस वर्ष एमपी इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी लागू हुई? तो 2016 में। डी ऑप्शन सही। ठीक, अब है 53 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश मित्र नरवाचिका सभा किस शहर में आयोजित की गई थी? तो याद रखिए इंदौर में। बात करते हैं 54 क्वेश्चन नंबर की, अतुल्य ज्योति योजना 2013 में ग्रामीण कृषि उद्देश्य के लिए न्यूनतम कितने घंटे बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया गया? तो याद रखना 10 घंटे का। बात करते हैं 55वें क्वेश्चन की, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर उपलब्ध होने वाले लिंक की जानकारी संग्रह कहलाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ऐसे डिटेल से ज़्यादा ही कुछ देखते हो तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना सब कुछ। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर उपलब्ध होने वाले लिंक की गई जानकारी का संग्रह है। सर टिम वर्सनली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1989 में WW का आविष्कार किया। विश्व के सभी कंप्यूटर सिस्टम WW के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 56वां क्वेश्चन, एक वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा दर्शाया जाने वाला पहला पेज कहलाता है? होम पेज। ठीक, सर्च क्षमताओं ईमेल, समाचार, स्टॉक मूल, मौसम की जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है पोर्टल। ठीक है, बी ऑप्शन है। अंठावन क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस संक्षिप्त रूप को सामान्यतः अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए स्पैम। स्पैम एक समाचार समूह अथवा बुलेटिन बोर्ड के जंक ईमेल अप्रासंगिक पोस्टिंग को संदर्भित करता है। ठीक, 59 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलने वाले उद्देश्यपूर्ण हानिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है वायरस। ठीक, डी ऑप्शन है 59 का। 60, निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो टेलीफोन।
वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, माइक्रोफोन आवश्यक है, टेलीफोन नहीं है। ठीक, 61 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं? याद रखिए, अपराधी कंप्यूटर कौशल और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अज्ञात पीड़ित। 62 क्वेश्चन, शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो धोखाधड़ी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को हानि पहुंचाने के लिए बिना अनुज्ञा के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, तो क्रैकर, सी ऑप्शन है 62 का। 63 क्वेश्चन नंबर, जब एक वेबसाइट के ग्राहक जाली नेटवर्क ट्रैफिक की बाढ़ के कारण उसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है? सेवा से इनकार, से इनकार हमला। ठीक, 64 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के किस भाग के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? 2BC, 2BC, ठीक, धारा 2 में भाग, इसे देख लेते हैं थोड़ा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की भाग 2BC के अंतर्गत, भाग नहीं, धारा 2BC के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। धारा 2BC आर्थिक बहिष्कार का अर्थ है अन्य व्यक्तियों के लिए किराए पर काम करने अथवा व्यापार के प्रस्ताव से इनकार कर देना, अवसरों को ठुकरा देना जिसमें विचार हेतु सेवाओं के प्रतिपादन हेतु सेवाओं तक पहुंच अथवा अनुबंध के अवसर से इनकार करना, उन शर्तों पर कुछ भी करने से इनकार करना जिन पर व्यापार के सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्यों को सामान्यतः संपादित किया जाता है, उन व्यवसाय या अथवा व्यापारिक संबंधों से दूर रहना जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बनाए रखेगा। 65 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अग्रिम जमानत निषिद्ध है? भाग 18। ठीक, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत अग्रिम जमानत निषिद्ध है। धारा 18 की संहिता की धारा 438 अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। ठीक, 66वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस अनुभाग के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई? तो याद रखिए, अनुभाग 18। सड़सठवां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उसने अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि, मानसिक पीड़ा पहुंचाने, जादू टोना करने तथा उसे चुड़ैल साबित करने आरोपियों के दोषी व्यक्ति के लिए किस दंड का प्रावधान है? कम से कम 6 महीने की जेल, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस जुर्माना। 68 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कितने भाग हैं? धाराएं कितनी हैं? 23। ठीक, 69 क्वेश्चन नंबर, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के निम्नलिखित भाग में किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना वसूलने की सजा है, सकती है? तो याद रखिए, धारा 10A। 10A दी गई हैं, देख लेते हैं एक बार। धारा 1 में लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभ, धारा 2 में परिभाषाएं, धारा 3 में धार्मिक अक्षमताओं को लागू करने हेतु सजा, धारा 4 में सामाजिक अक्षमताओं को लागू करने हेतु सजा, धारा 5 में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने से मना करने पर सजा,
धारा 6 में उत्पाद बेचने अथवा सेवा के प्रतिपादन से इनकार करने हेतु सजा। 7 में है धारा 7 में अस्पष्टता से उत्पन्न अन्य अपराध हेतु सजा। 7A में है गैरकानूनी अनिवार्य सेम जब इसे अस्पष्टता का अभ्यास माना जाता है। 8वां है कुछ मामलों में लाइसेंस को निरस्त अथवा रद्द करना। 9 है सरकार द्वारा किए गए अनुदान की बहाली अथवा निलंबन। धारा 10 में अपराध को उकसाना। धारा 10A में सामूहिक जुर्माना वसूलने की राज्य सरकार की शक्ति। 11 में अनुवर्ती दोष सिद्धि पर बढ़ा हुआ जुर्माना। 12 में कुछ मामलों में न्यायाधीश द्वारा अनुमान। धारा 13 में सिविल न्यायालय की क्षेत्र अधिकार की सीमा। धारा 14 में कंपनियों द्वारा अपराध। 14A धारा 14A में सद्भाव में की गई कार्यवाही से संरक्षण। 15 में संज्ञेय और संक्षेप प्रयासों से होने वाला अपराध। 15A में राज्य सरकार का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना कि अस्पष्टता के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अधिकारों का संबंध व्यक्ति द्वारा लाभ उठाया जा सके। 16 में अन्य कानूनों को समाप्त करने हेतु अधिनियम। 16A में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू नहीं होना। 16B में नियम बनाने की शक्ति और 17 में निरस्त करना। बात करते हैं 70 क्वेश्चन नंबर की। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भाव में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया गया था? 14A में। ठीक है, इकहत्तर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध प्रदान किए गए थे? धारा 14 में। ठीक, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है पूरे भारत में। ठीक है, 73वां क्वेश्चन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। ठीक, चौहत्तरवा क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन नहीं है? तो याद रखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं है, इसमें बी ऑप्शन है, 74 का बी है। ठीक है, 75 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने से लेकर कितने दिन तक है? तो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु, बी ऑप्शन है। याद रखिए अभी 2019 में एक संशोधन हुआ है जिसमें 3 वर्ष कर दिया गया है 5 वर्ष की जगह और 70 वर्ष आयु उसी तरह की है। ठीक है, 3 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, 180 तथा धारा 228 के अंतर्गत वर्णित अपराधों के संबंध में मानवाधिकार आयोग द्वारा किस पर विचार किया जाता है? दीवानी न्यायालय, बी ऑप्शन है। ठीक है, 77 सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत से निपटने के दौरान आयोग या तो अपने प्रस्ताव पर या एक याचिका पर प्राप्ति केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, सी ऑप्शन है 77 का। 78 उच्च न्यायालय के कार्यगत न्यायाधीश अथवा कार्यरत जिला न्यायाधीश को किसके साथ परामर्श करने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, बी ऑप्शन। 79 क्वेश्चन नंबर राज्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में कोई रिक्त पद होने की स्थिति में कौन किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्राधिकार प्रदान कर सकता है? तो याद रखिए राज्यपाल।
80 क्वेश्चन नंबर। आयोग राज्य आयोग के प्रत्येक सदस्य और आयोग अथवा राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किए गए प्रत्येक अधिकारी द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसके रूप में कार्य का निष्पादन किया जा सकता है? सार्वजनिक कार्य कर्मचारी। बी ऑप्शन है 80 का। ठीक है, 81। राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राज्य सरकार। बयासी क्वेश्चन नंबर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सशक्त बलों की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नौसेना है, राज्य के सशक्त बल नहीं है, थल सेना है, वायु सेना है। ठीक है, राज्य के सशक्त सेना नहीं है। 83 क्वेश्चन नंबर। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम है? याद रखिए साहे बुलबुल। सही ऑप्शन है 83 का। 84। एनजीटी का पूरा नाम है? हरित राष्ट्रीय हरित प्राधिक अधिकरण। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका, इसके बारे में बता दें कुछ। राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राकृतिक संसाधनों में पर्यावरण और राहत प्रदान करने से संबंधित किसी भी कानून अधिकार के प्रवर्तन और इससे जुड़े मामलों की क्षतिपूर्ति और व्यक्ति एवं संपत्ति के नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति भी शामिल है। 85वां क्वेश्चन। जैविक कृषि पर निर्भर भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो सिक्किम है। महानगरीय शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो याद रखिए CO2, SO2 और NO2। ठीक है, सी ऑप्शन है 86 का। 87। निम्नलिखित में से कौन एक औषधि फसल है? तो याद रखिए एलोवेरा, बी ऑप्शन है 87 का, बी है। 88। विकास संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूर्य का विकास परिवर्तित होता है? ये रासायनिक ऊर्जा द्वारा। ठीक, 88 का ए है। 89। मनुष्यों की द्रव्य सीमा क्या है? तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 90 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थलीय क्षेत्र है? सिंधु क्षेत्र। 51वां क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है पुस्तक के लेखकों के नाम? तो वर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी कुमार सुंदर द्वारा लिखा है, वन इंडियन गर्ल्स चेतन भगत, जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस किरण दोषी, आइसलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल कुडाल बसु। ये गलत है, तो याद रखिए 92 का डी ऑप्शन है। 93वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला ने मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए 2017 में उपचुनाव जीता था? तो याद रखिए संपत्तिया उइकी थे। 94वां क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान ने कितनी बार एक समझौते के अंदर अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों को जनवरी 2018 तक ऐसे प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकना है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है 27। यह 21 दिसंबर 1988 को हस्तांतरित किया गया था समझौता, 2 जनवरी 1991 से इसे लागू किया गया है। ठीक है, इस वर्ष जनवरी की पहली तारीख को संधि के अंतर्गत एक दूसरे के को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को शामिल करने के संदर्भ में सूचित करते हैं। 95। विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हैं बी सलील फारेख।
बी ऑप्शन है। 96, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की देशों की संख्या कितनी है? तो 189, बी ऑप्शन सही है। 96 का बी ऑप्शन सही है। 97, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं चुनी हुई थी? तो 25, सी ऑप्शन सही। 98, अधिकांश स्रोतों के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में 18 महिलाएं चुनी गई थी। ठीक, बात करते हैं, लेकिन एमपी आयोग ने क्या माना था? 18 ऑप्शन नहीं होने के कारण 25। ठीक, 98 वा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश राजस्वीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया? 2005 में, सी ऑप्शन है। 99, किस तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की? तो यह 6 दिसंबर 2017, डी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है 100वां, अक्टूबर 2016 में विश्व बैंक और DIPP द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक, तो ये था हमारा 2018 का MPPSC का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। तो चलिए, हम लोग MPPSC के सभी पेपर देख चुके हैं 2012 से लगाकर 2018 तक। ठीक है,